शनिवार को भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा विपाशा रचना संचयन विशेषांक पर समीक्षात्मक संगोष्ठी का आयोजन राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में किया गया। इस दौरान पत्र वाचन में राजकुमार राकेश, डॉक्टर विद्यानिधि छाबड़ा, वक्तव्य में नवनीत शर्मा, संपादकीय वक्तव्य में डॉक्टर तुलसी रमन और अध्यक्षीय वक्तव्य में डॉक्टर पंकज ललित, निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग सहित अन्य लेखक और कवि मौजूद रहे। आप जानते होंगे विपाशा हमारे विभाग भाषा संस्कृति की एक पत्रिका है और करीब 4 दशकों से ये प्रकाशित हो रही है, 38 साल तो हो ही गए और इसकी आज एक संगोष्ठी आयोजित हो रही है जिसमें विशेषांक जो हमारा रचना विपाशा की रचना है संचयन हुआ है उसके ऊपर विशेषांक है। इसमें 4-5 विशेषांक आज तक निकल चुके हैं तो ये आज इसके ऊपर संगोष्ठी है, इसमें पत्थर पड़े जाएंगे और उस पर चर्चा होगी तो इस उपलक्ष्य में ये संगोष्ठी है। क्या मकसद क्या है क्या संगोष्ठी का? देखिए जो विपाशा है इसमें बहुत से जो हैं लेखक हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, कथाएँ लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं और साथ ही साथ दूरदराज बहुत इसका जो पाठक वृंद है उससे जुड़े हैं तो एक मंच पे जो 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 लिखते हैं विशेषांक है उस पर जो एक मंच पे कुछ जो पाठक जो है जो रचनाकार हैं वो इसको पढ़ेंगे और पाठक जो है पढ़ेंगे और दूसरे जो है जो और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे और इसमें एनालिसिस होता है ना, विश्लेषण होता है कौन अच्छी कर जाए, इसी से जो है एक साहित्यिक वातावरण बनता है, उसके लिए संगोष्ठी रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीडी चैनल, शिमला।